तो आज सिंगा जी बाबा गुरु महाराज से हाथ जोड़े ने ऐसे विनम्र प्रार्थना कर रहा है कि अब दया करो मेरे सदगुरु साईं देवो उपदेश अपनो कर ले, मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो और तुम बिना जानू नहीं दे। तो उसी समय मंडंगिर बाबा सिंघा जी बाबा से कहने लगे कि भैया सिंघा, जिस प्रेम की तू अभिलाषा लेना है और जिस प्रेम की तू जिज्ञासा लेना है, ये प्रेम बाहर नहीं है, कोई खेती बाड़ी में पैदा नहीं होने वाला है, ये प्रेम कोई हाट बाजार में नहीं बिकतो, प्रेम ना बाड़ी निपजे प्रेम ना हाट बिका है, ये तो थारा पास है, केवल आवश्यकता चाहिए प्रकट करना है। मन रंग बोले निर्मल वाणी प्रेम भक्ति ना रहे सानी, वो तो अपना आप में छनी चना है, अपना आप निर्मल से निर्विकार से आवश्यकता चाहिए प्रकट करना है। और अगर तू उस प्रेम को पाणो है, उस प्रेम की जिज्ञासा छे, तो भजन का साथ संबंध चल, भजन से प्रीत कर, अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीत कर प्यारा, अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीत कर प्यारा, छोड़ कर काम दुनिया के रे रोक विषयों से मन अपना, और जीत कर नींद आलस को रहो एकांत में प्यारा, अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीत कर प्यारा, बैठ आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को, फिर देख भ्रगुटी के अंदर चमकता है अजब तारा, अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीत कर प्यारा, फिर कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे, कभी फिर ध्यान में भासे वो ब्रह्म ज्योति चमकारा, अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीत कर प्यारा, अगर उस प्रेम को पाड़ तो भजन से संबंध, भजन से प्रीत कर। मनरंग बोले निर्मल वाणी प्रेम भक्ति ना रहे छानी, जो कछु हो तुम्हें उपदेश की आशा, तो तजी माया मन फिरो दासा, उस प्रेम को पाना काली, उस परम तत्व को पाना काली, उस स्वरूप की प्राप्ति काली, तन से किसी की छोड़ना जा सकता नहीं कि घर छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया संसार छोड़ दिया जंगल को चयन कर ले गुफा ने को चयन कर ले, यहां तो गुरु महाराज की राज्य, जो कछु हो तुम्हें उपदेश की आशा, तजी माया मन फिरो उदासा, मन से सबको त्याग कर, मन से उदास रह, मन से उनका पास रह, और रात दिवस करो श्री राम की सेवा। भजन करना को ऐसा कोई निश्चित समय नहीं बताया कि भैया तो सुबह कर दे, शाम का कर्जे, दोपहर का कर्जे, रात का कर्जे, ब्रह्म मुहूर्त में कर्जे, यहां तो संत प्रमाण दिया कि रात दिवस, लेकिन रात दिवस पूरा नहीं हो तो रात दिवस में तुमको जब समय मिल जाए तब कर लीजिए, सोवत जागत उठत बैठत घड़ी घड़ी, और कह जन सिंघा सुनो भय साधु, तुम इस विधि जाओगे तरी सदारी मन आनंद भजी लहरी, रात दिवस करो श्री राम की सेवा, और अवगुण तजी पूजो आत्मदेवा, पूजा करना की बात कही, मानना की बात कही, प्रेम की बात कही, दया की बात कही, भाव की बात कही, तो किनखा से भाव जोड़ने, किनखा से प्रेम करने, किनखा से प्रीत करने, आत्मदेव सकल आत्मा देखो आप समाना, तब सेवा साई साची कर माना, ये सिंघाजी बाबा से मंडंगिर बाबा कह रहे कि हर आत्मा का अपना समान मान, सकल आत्मा देखो आप समान, तब सेवा साई साची माना कर माना, लेकिन हम जिनकी पूजा करना चाहे जाए, जिनका प्रति भाव रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, जिनका प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, हम उनका से तो कहीं ना कहीं द्वेष रखा है, कहीं ना कहीं छल कपट कराए, कहीं ना कहीं उनकी न
नाना प्रकार की निंदा स्तुति करने लगी जावा, उपेक्षा करने लगी जावा। पत्थर को तू पूजता है बैर करे इंसान से, हो मूर्ख मोड़ पगले कुछ तो डर भगवान से। कबीर भी एक जगह लिखे नहीं, जागता नर सेव भूली मालन, जागता नर सेव, अरे तू भूली रही क्यों थारो देव मालन, जागता नर सेव, ये जागिल न की सेवा करो, जिंदा न की सेवा करो, जो करना योग्य छे उनकी करो। एकांदर कोई विरोध नहीं है, ये तो एक पक्ष यहां फिर विरोध मानने लगी जाए कि नहीं ये लोग सगुण की उपेक्षा करें या सगुण की निंदा करें, सगुण को विरोध करें, विरोध नहीं। यहां तो सिंघाजी बाबा ने ना तो सगुण का मानना की कही और निर्गुण की तुम निंदा करो, ऐसी बात भी नहीं कही कि भाई तुम निर्गुण की निंदा करो सगुण की पूजा करो, या सगुण की निंदा करो निर्गुण की निंदा करो। ये भेद तो हम लोग ने पाले देखे लिए, ये हमने एक दायरा बना लिया, एक हमने सीमा बना ली कि भाई हम निर्गुणवादी है ये सगुणवादी है, हम निर्गुण मत का है ये सिर्गुण मत का है। ये महापुरुष ने की इतनी संकीर्ण विचारधारा नहीं थी, इतनी संकीर्ण मानसिकता नहीं थी, वो तो स्वयं कह रहा है निर्गुण सिर्गुण कछु नहीं भेदा, अंदर कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। हमारा संत तो अपनी वाणी में यहां तक प्रमाण दे कि सिर्फ निर्गुण हम पिता हमारे सिर्गुण है मैं तारी, निर्गुण पिता हमारे सिर्गुण है मैं तारी, और किनको बंधु किनको निंदु, दोनों बलड़ा भारी। अब एक माता की उपमा दी एक पिता की उपमा दी, तो कहीं आप माता की उपासना करोगे और पिता की निंदा करोगे, या पिता की उपासना करोगे माता की निंदा करोगे। निर्गुण है पिता हमारे सिर्गुण है मैं तारी, किनको बंधु किनको निंदु, दोनों बल्ला भारी। उनने यहां भेद नहीं रखे, यहां भिन्नता नहीं रखी, उनने वहां दो भाव नहीं रखे कि निर्गुण अलग से सिर्गुण अलग, निर्गुण सिर्गुण कछु नहीं भेदा। बाबा भी लिखे ओहम सोहम दुई मोह, साई सामना यहां कबीर लिखन की जागता नरसेव भूली मालन, जागता नरसेव, तू भूली रही क्यों थारो देव मालन, जागता नरसेव। यहां सिंघाजी बाबा को मंडंगिर बाबा वही उपदेश कर रहा है कि जो कछु हो तुम्हें उपदेश की आशा, तजी माया मन फिरो उदासा, रात दिवस करो श्री राम की सेवा, अवगुण तजी पूजो आत्म देवा, और सकल आत्मा देखो आप समाना, तब सेवा साई साची कर माना। परमात्मा आपकी सेवा को स्वीकार कब करेगा, तब आपका भाव सबका प्रति समान रहेगा, समभाव। देखो ममता और समता, तो यहां हमारा संतन ने प्रमाण दियो कि परमात्मा से हमको ममता रखनी है और संसार में हमको समता रखनी है, सबके एक समान। लेकिन हमने यहां उल्टो कर लिया, संसार से ममता रखी रहा कि मारो छोरो आ, ये मारी छोरी आ, ये मारो भाई आते, ये मारी बहन आती, हमारा पिता आती, मतलब हमने संसार से ममता जोड़ ली, और भगवान का ली समता की भैया सब भगवान एक समान छे, सब बराबर छे, नहीं भगवान से ममता और संसार में समता। केवल और केवल हम कहीं यहां दृष्टि बदलने, भाव बदलने, और कुछ बदलना की आवश्यकता नहीं है। यहां सिंघाजी बाबा से गुरु महाराज भाई कह रहा है कि भैया परमात्मा आपकी सेवा को स्वीकार कब करेगा, तब आप सबका अंदर वो समानता देखोगे, सकल आत्मा देखो आप समाना, तब सेवा साई साची कर माना। और गुरु महाराज तो यहां तक प्रमाण दे रहे, यहां तक आदेश कर रहा है कि कोड़ी कुष्टि अंग का मलिना ताको भी साहब कर चेना, जो कोड़ी चे कुष्टी चे दरिद्र से और का अंदर भी वही प्रेम सदा, जय हो नर्मदा, और का अंदर भी वही विद्वान चे, जो राम राम का अंदर चे वही राम रावण का अंदर भी चे। लेकिन हम यहां भेद दृष्टि रखा कि भैया ये छोटो आए ये बड़ो आए,
अध्यात्म मार्ग के अंदर उस स्थिति पर पहुंचना का लिए, उस मुकाम का ऊपर पहुंचना का लिए कि ये भेद कभी खत्म करना पड़े। सिंगाजी बाबा लिख जगह कि स्वामी सेवक जब लग कहवे तब लग मुक्ति नहीं पावे। वहां तो स्वामी सेवक को भाव भी खत्म हो जाए, वहां तक जाता जाता सब खत्म हो जाए। सगुण से निर्गुण की ओर जाने की बात कही, और निर्गुण एक स्थिति आए, निर्गुण एक मुकाम आए। क्यों निर्गुण है इसे, वहां कुछ गुण थोड़ी से। तो आज सिंगाजी बाबा से गुरु महाराज पहले ये आदेश कर रहा है, ये शिक्षा दे रहा है, ये मार्गदर्शन कर रहा है कि जो कोड़ी से कुष्ठी से दरिद्र से दरिद्र से वहां पे वही दृष्टि रख दे, क्योंकि वो किस रूप में आए जाए। देखो ज्यादा से ज्यादा भगवान ने कभी किसी के दर्शन दिया नहीं तो कोड़ी कुष्ठी का रूप में ज्यादा दर्शन दिया है, तो वो किसी रूप में भी आ सके, लेकिन वहां हम कभी चूक करेगा, वहां चुकेगा तो काम खराब। इसलिए गुरु महाराज की सेवा चाकरी सबन की कीजिए, और जो मांगे सो सब रस दीजिए। धन दारा मांगे सुत, जो मांगे सो दीजिए तुरंत। धन माने अर्थ, दारा माने पत्नी। सिंगाजी बाबा का इतिहास गुरु महाराज जानता था कि एक साथ आकर ऐसी घटना घटी सके, और आगे कथा का अंदर आओ कि सिंगाजी बाबा से दो ब्राह्मण देवता उनकी पत्नी मांगना कर लिएगा, तो गुरु महाराज ने पहला संकेत कर दिया कि थारा साथ ये घटना भी घटी सके, बिल्कुल अलर्ट रह जे, बिल्कुल चेतन रह जे, जरा सी चूक नहीं। धन द्वारा मांगे सोत, जो मांगे सो दीजिए तुरंत, क्योंकि मुक्त मूल है साची सेवा, और जुग जुग बखाने सदगुरु देवा। जल पद बुझी तन की शीतल भया तवांग, और लोहाते कंचन भया जब पारस पर स्यंग। जब ये उपदेश दियो सिंगाजी बाबा को गुरु महाराज ने, ये मार्गदर्शन दियो, इस मार्गदर्शन से ही सिंगाजी बाबा को एक आत्मसंतुष्टि मिली, एक भाव परिवर्तित हुआ। जलपद बुझी तन की शीतल भया सवांग, लोहाते कंचन भया जब पारस परस्य। जैसे पारस के अंदर एक गुण चे, पारस की एक विशेषता चे कि अगर कोई लोहो पारस को स्पर्श कर ले तो पारस उस लोहा को लोहो नहीं रहने दे, वो तो सोना में परिवर्तित कर दे। ये पारस का गुण है, ये पारस की विशेषता है। लेकिन भैया एक बात को ध्यान हमको भी रखना पड़ेगा कि पारस का अंदर वो गुण जरूर है कि वो लोहा बने दे, लेकिन भैया लोहो भी साफ शुद्ध होनो, नहीं तो जंग खाए लोहा का कभी पारस से लगावा तो ओखो कभी सोनो नहीं बने। जैसे भगवान कहनी कि मम दर्शन फल परमानुपा और जीव पाए निःसहस रूपा। भगवान डंका की चोट पर कहना कि जो एक बार हमारा सगुण स्वरूप का दर्शन कर ले तो अपना निज स्वरूप का दर्शन कर ले, वो अपना निस्वरूप की अनुभूति कर ले। भगवान का दर्शन को ये फल बतायो, और ये फल कोई दूसरों नहीं बता रहा, ये स्वयं भगवान कह रहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाए निस्सहस रूपा। जो एक बार हमारा दर्शन कर ले वो अपना निस्वरूप का दर्शन कर ले, तो फिर हमारा मन में ये भाव बनी जाए, हम ये तर्क वितर्क न लगाने लगे जाए कि अरे भगवान का दर्शन को फल बता रहा है कि निज स्वरूप की अनुभूति हुई जाए। ये रावण शरीर का, दुर्योधन शरीर का, कहीं को 18 दिन भगवान का सामने खड़े तो कहीं को 27 दिन भगवान का सामने खड़े, तो फिर इनका अपना स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं हुआ, इनका अपना स्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं है। तो भैया भगवान कही तो रहा है कि जो हमारा दर्शन कर ले वो का अपना निस्वरूप की अनुभूति, लेकिन वहां शर्त भी तो रखे नहीं है। पारस तो गई रो कि लोहो अगर मारो स्पर्श कर ले तो हम लोहा का लोहो नहीं रहने दो, सोना में परिवर्तित कर दो, लेकिन वो लोहो भी सही शुद्ध होनो। जंग खाए लोहा के तुम कितने रगड़ा करोगा पारस, वो कभी सोना नहीं बना। तो ये दुर्योधन शरीर का, ये रावण शरीर का, ये वो जंग खाए लोहा है, ये 27 दिन का 27 साल भी भगवान के सामने खड़ी रहनी तो कभी इनका फर्क नहीं पड़ना। कबीर लिखा जाए एक जगह कि सुखा लकड़ ने घणो घणो सीचो पान फूल नहीं आवे, अरे इना कागला ने घणो भणाए वो तो कर्रा कर्रा बोले, गुरु कितना दे उपदेश मूर्ख तने एक नहीं लागे। सुखा झाड़ पर आप कितो ही पानी सींचो, कोठी का कोठी पानी डालो, वो कभी हरो नहीं रहना। कौवा का कितनी कोयल की भाषा सिखाड़ो वो कौवोज रहेगा, कागे ही रहेगा। सुखा लकड़ ने घणो घणो सींचो पान फूल नहीं आवे, अरे इना कागला ने घणो भणायो वो तो कर्रा कर्रा बोले, गुरु कितना दे उपदेश मूर्ख तने एक नहीं लागे। अगर देखिए जड़ बुद्धि से जिसका अंदर वो जागृति नहीं है, देखिए कोई जिज्ञासा ही नहीं है,
ओका सामने साक्षात भगवान के आई जाए तो को कल्याण नहीं हो सकता। और इस बात को प्रमाण भी छे, भगवान शंकर सरी का सती को नहीं समझे पाया, ओको भ्रम नहीं दूर करी पाया। क्यों? क्योंकि अंदर ओका अंदर वो जिज्ञासा नहीं थी, ओका अंदर वो भाव नहीं था, ओका अंदर वो जागृति नहीं थी। गुरु भी अपना शिष्य को तभी भलो करेगा, तभी कल्याण करेगा जब शिष्य का अंदर भी जागृति हो, शिष्य का अंदर भी कल्याण की भावना हो, शिष्य का अंदर भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो। वो जिज्ञासा भी तो का अंदर भी तोड़ना चाहिए, नहीं तो सती का गुरु तो स्वयं भगवान ही था, स्वयं भगवान शंकर जैसा गुरु था, लेकिन फिर भी उनका भ्रम को वो दूर नहीं कर पाया। और भ्रम दूर नहीं हुए तो मिटनू पड़े, खत्म होनू पड़े, भस्म होनू पड़े, फिर पुनः पार्वती रूप धारण कर नहाना पड़े, और तब उनका वो ब्रह्म ज्ञान मिले, तब वो अमर कथा सुनने को मिली। कब? जब भ्रम दूर हुए तब। संशय आत्मा विनशति, जहां संशय छे वहां विनाश छे। और आपका अंदर अगर वो शिष्यत्व छे तो गुरु को ढूंढना की जाने की जरूरत नहीं है, तुमको गुरु खुद आपको ढूंढे ले। लेकिन आपका अंदर वो शिष्यत्व होनो, वो जागृति होनो। वृक्ष का ऊपर कभी फल पकी जाए तो फल कभी तोता को आमंत्रण देने नहीं जाता, निमंत्रण देने नहीं जाता कि हाँ पकी गो तू आ, तो खुद ढूंढने लगे कौन सो फल पके रहे और वो ग्रहण कर ले। आपका अंदर अगर शिष्यत्व जागृत हो जाए तो आपको गुरु को ढूंढना की आवश्यकता नहीं, गुरु खुद आपको ढूंढी लेंगे। और यहां तो ऐसा प्रमाण मिले रहे, अभी 250-300 साल पहले चरणदास नाम का संत हो आए, चरणदास जी, जिनका अंदर वो शिष्यत्व जागृत हुए, तो जिनका स्वयं भगवान सुखदेव स्वामी ने उपदेश करने गया, सुखदेव स्वामी का द्वारा दीक्षा मिली, चरणदास जी का गुरु सुखदेव स्वामी। चरणदास जी अभी 250-300 साल पहले हुआ और सुखदेव स्वामी द्वापुर का था, द्वापुर में हुआ था, लेकिन जिज्ञासा थी, शिष्यत्व थो। तो आपका अंदर अगर शिष्यत्व जागी जाए तो गुरु खुद आपको ढूंढना ही जाएगा, गुरु खुद ढूंढी लेगा, लेकिन वो भाव तो जागा, वो जिज्ञासा तो जागा। तो आज ये भगवान को ऐलाना है, भगवान खुद कह रहा मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाए निज सहस्र रूपा, जलपद बुझी तन की शीतल भया सबंग, लोहाते कंचन भया जब पारस पर सियंग। पारस के अंदर वो गुण छे कि पारस लोहा को सोनो बने दे, लेकिन फिर भी उसका अंदर भेद छे, पारस लोहा को केवल सोनो बने देगा लेकिन पारस नहीं बने पाना को। और हमारा संत अपना सानिध्य मायल जी को संत बड़े ने छोड़ दे, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनका अंग तपन बुझावे और की और दे दे अपना रंग, संत अपना रंग प्रदान करे। गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, गुरु कभी चेला नहीं बनाता, गुरु तो गुरु ही बने ने छोड़ा। और आज सिंघाजी बाबा का गुरु महाराज की वाणी से उनका उपदेश से वो भेद खुले, वो मूल को भेद पाए। सदगुरु गुण शब्द कियो अंतर दियो निज भेद, और दुख 84 काटिया फिर लखायो सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म भेद। तो आज सिंघाजी बाबा स्वयं गुरु महाराज से हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करत कि गुरु महाराज हम ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन आज हम आपको विश्वास दिलो कि हम यहां कभी किसी के सत्य और शाश्वत मानूंगा तो वो केवल आपका शब्द कर, आपकी वाणी कर, आपका आदेश कर। गुरु आज्ञा साहेब सो सेवा, गुरु की आज्ञा, गुरु का वचन, गुरु का शब्द, गुरु वाक्यम शिष्य से परम मंगलम। गुरु को शब्द तो मंत्र को काम करे, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। सिंघाजी बाबा गुरु महाराज से हाथ जोड़ने प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज कहे सिंगा हम कछु नहीं जानू और साचो शब्द तुम्हारो मानो। हाँ किसी को सत्य मानूंगा, किसी को शाश्वत मानूंगा तो केवल आपका शब्द करो, आपकी वाणी करो, आपका आदेश कर। कहे सिंगा हम कछु नहीं जानू साचो शब्द तुम्हारो मानू और देवो उपदेश करो उपकारा, अब तो राखो प्रभु शरण तुम्हारा क्योंकि मैं मूरख मति को हिनो। राजरा शब्द कैसे पहचानो, ये शब्द सिंगाजी बाबा का है,
एक एक वाणी, एक एक शब्द शरीर का रोम खड़ा कर दे, झकझोर दे व्यक्ति को। हाँ सिंगाजी बाबा हमको वो मार्गदर्शन दे रहा है कि गुरु शरण में जाना से पहले गुरु कृपा पाना का लिए व्यक्ति का कितना खाली होना पड़ेगा, अपना आप को खत्म करना पड़ेगा, अपना आप को मिटाना पड़ेगा। सिंगाजी बाबा जैसा महापुरुष, श्रृंगी ऋषि को अवतार, जिनने इस भूमि के ऊपर विश्व अवतार करवाए, राम को अवतार करवाए, लेकिन वो भी गुरु शरण में गया तो अपना आप को कितनी छोटी सी छोटी उपमा दी रहा है कि मैं मूर्ख मति को ही लूं। सिंगाजी बाबा का नाती भी हुआ और परम शिष्य भी हुआ दलूदास बाबा, जिनने सिंगाजी बाबा की जब लीला को वर्णन करना प्रारंभ करे ना तो 1400 पदने की रचना हुई गई, एक दो चार नहीं, 10-20-50-100-200 नहीं, केवल सिंगाजी बाबा की लीला को वर्णन करनो जब प्रारंभ करे दलदास बाबा ने तो एक नहीं 1400 पदने की रचना हुई, 1400 पद लिखे गया, लेकिन फिर भी एक पद में दलदास बाबा अपना बारा में लिखी रहे कि दल्लो पतित पतिहीन है ऐसो मूरख मुंड अजान, और ज्ञान ध्यान कछु जानो नहीं, केवल मारी गुरु चरण लग की दौड़। जिनने 1400 भजन लिखी दिया वो कह रहा है कि हम ज्ञान ध्यान कुछ नहीं जानते, हो तो मुड़ मती मारी अजान छे, मगर ज्ञान ध्यान को कुछ बोध नहीं है, और हम केवल वो 1400 नमः से खाली 14 भजन गाए ले तो अपना आप को हम छोटो नहीं मानते। मेरे जैसा गायक नहीं, मेरा जैसा भजनानंदी नहीं, मेरा जैसा कोई कथाकार नहीं, धिक्कार हमारी इस संकीर्ण भावना का। आज सिंगाजी बाबा अपना आप को कहा मैं मूर्ख मति को ही हूं, गुरु शरण में जाना से पहले अपना आप को खत्म करना पड़ेगा, अपना आप को मिटाना पड़ेगा, अपना मैं को खत्म करना पड़ेगा। जब तक वो मैं नहीं मिटेगा मैं नहीं खत्म होगा, क्योंकि जब तक हम पूरा तरीका से खाली नहीं होगा, ये पात्र को पूरा खाली करना पड़ेगा। किसी का पास कुछ वस्तु लेना का ली जाओ, कुछ लेना का लियो, कुछ मांगना का ली जाओ, कोई पात्र लेने जाओ और वो पात्र तुम्हारो पहले से भरे लचे तो देना वालों जब देगा तो रखोगा ही नहीं। तभी सिंगाजी बाबा कहना पड़े कि वस्तु घनी, वस्तु तो इतनी अपार छे, वस्तु इतनी वृद्ध छे, लेकिन हमारा जो पात्र छे नहीं बहुत संकीर्ण छे, बहुत छोटा छे। वस्तु घनी वर्तन ओछा कहो कैसा कीजे, तो कह कि वो बाहर जैसे जे। पात्र पहले से भरेल छे और भरेल पात्र में आप कोई वस्तु डालो तो बाहर ही फेंका है, मन थोड़ी क्योंकि वो पहला से बहेला से। तो यहां गुरु महाराज के पहला अपना आप को खत्म कर, अपना आप को मिटा, अपना आप को खाली कर। एक बार गांव समाज का लोग ने कबीर से शिकायत करी, कबीरदास जी कहने लगे कि महाराज तुम जहां भी जाओ, संत समाज में जाओ, सत्संग में जाओ, कोई तीर्थ व्रत में जाओ, कहीं भी बाहर जाओ, भ्रमण पर जाओ तो तुम तो हमको कभी कहता नहीं, अकेला चले जाओ। अरे कभी हमको ले चलो साथ में, कभी हमारी साथ भी करो, हम कभी साथ में ले जाओ। कबीर कह कि तुमको ले तो जाओ पर तुम्हारा लायक नहीं है। तो लोग ना कि जरा बुरो लगे कि महाराज हम आपका लायक क्यों नहीं। अरे बोले भैया तुम नहीं लायक हैं, हाँ जसो को ओसा तुम नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता, बोले करी सको। बोले हाँ तो कबीर खड़ा बाजार में ले लकुटी हाथ और जो घर फूके अपना वो चलो हमारे साथ, हमारे साथ में चलना का लिए पहले अपना घर को मिटाना पड़ेगा, घर को फूकना पड़ेगा, अपना आप को खत्म करना पड़ेगा। कबीर खड़ा बाजार में ले लकुटी हाथ जो घर फूके अपना वो चलो हमारे साथ। संत की शरण पाना का लिए, संत की कृपा पाना का लिए, सदगुरु को सानिध्य पाना का लिए अपना आप खत्म करना पड़ेगा। अरे जमीन के अंदर एक बीज डाला है तो बीज भी पहला अपना आप को खत्म करे, अपना आप को पूरा मिटे दे तब तो ही तो अंकुरित हो जाए।
मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा जो चाहे, दाना खाक में मिलके गले गुलजार होता है। उदाहरणों भी अपना आप को खत्म कर दे तभी वो अंकुरित हो। तो आज सिंगाजी बाबा जैसा महापुरुष श्रृंग ऋषि को अवतार, इस भूमि का ऊपर विश्व अवतार करवाना वाला, भगवान राम को अवतार करवाना वाला, वो भी गुरु शरण में गया तो अपना आप का कह रहा है कि मैं मूर्ख मति को हीनो अजरा शब्द से पहचान। गुरु महाराज अभी तक वो शब्द के नहीं जानी पाए, वो शब्द के नहीं पहचानी पाए जिस शब्द से ध्रुव का अटल पद मिले, जिस शब्द से प्रहलाद का अमर पद मिले, जिस शब्द से नामदेव के भगवान को साक्षात्कार हुए। सत प्रताप ध्रुव अटल पद पायो, सदगुरु परचो प्रहलाद अमर पद पायो, नामदेव भी आए गुरु के शरणा, और अनकेतो में कहां लग करूं वरना, और चार वर्ण की कहीं ना जानो, और साचो शब्द तुम्हारो मानो। अब तो देवो उपदेश करो उपकारा, अब तो राखो प्रभु शरण तुम्हारा, क्योंकि मैं मूर्ख मति को हीनो और वो अजरा शब्द कैसे पहचानू। सत प्रताप ध्रुव अटल पद पायो और सतगुरु परचो प्रहलाद अमर पद पायो, नामदेव भी आए गुरु के शरणा, और अंकितों में कहां लग कर वरना, चार वर्ण की कहीं ना जानो और साचो शब्द तुम्हारो मानो। जब ऐसे वाणी सिंगाजी बोले तब मंडन स्वामी अंतर्गत की खोले, और उसी समय मंडंगिर बाबा सिंगाजी बाबा को अपने गोद में ले और उनका मस्तक हाथ रखे, और उसी समय सिंगाजी बाबा को उपदेश प्रदान करे कि करी कृपा दीनो उपदेश, तजी माया भयो निर्गुण वेश, और मनरंग स्वामी परमारथ कीनो भय कृपाल मस्तक हाथ दीनो। तब सिंगाजी भया अति खुशी आला कि मैं अनाथ को प्रभु कियो निहाला, और सुनता शब्द साखी चढ़ाई, अपने गुरु की करी बढ़ाई, और तीन लोग में सदगुरु दाता, और जाके कमाई सब जो खाता। सदगुरु है देवन के देवा और अजर अमर जाति सेवा। उस समय सिंगाजी बाबा को रामनगर चारखेड़ा का ऊपर गुरु महाराज मंडंगिर बाबा द्वारा उपदेश मिले, और जैसे ही उपदेश मिले तो उपदेश का बाद एक परंपरा एक विधान कि जब शिष्य का गुरु का द्वारा उपदेश मिले तो शिष्य का द्वारा भी गुरु महाराज का कुछ भेंट स्वरूप देना पड़े। एक ऐसी परंपरा विधान चे, अब ये विधान ही परंपरा ने कब से प्रारंभ हुई ये तो भगवान जानो। कई ये परंपरा न को अंदर हमने कई बदलाव ले आया कि हमने कोई चेंज कर दिया है अंदर कि ये अभी काय हुई ये तो हमारे समझ में नहीं आया अभी तक, क्योंकि यहां हमारा संत महापुरुष तो अपनी वाणी में प्रमाण दे कि गुरु सम दाता नहीं और याचक शिष्य समान। गुरु एक दाता है और शिष्य एक याचक है। अब दाता याचक का दे ये बात तो सबकी समझ में आवे, लेकिन याचक दाता का दे ये तो कहीं ना कहीं विपरीत लगन है। अब गुरु को कहनो कुछ और रहे और हमको समझी कुछ और रहा। अभी एक परंपरा चली रही जैसे एक गुरु दीक्षा का बाद हमने सुने हो, ऐसा हमारा से तो कोई गुरु महाराज ने कहे नहीं, पर ऐसा सुनना माओ कि भैया गुरु दीक्षा दे तो शिष्य का द्वारा गुरु महाराज फिर कोई फल छोड़ा रहे कि भैया आपको एक फल का त्याग करना पड़ेगा, एक फल को छोड़ना पड़ेगा, एक फल को त्याग करना पड़ेगा। तो शिष्य भी इतना चतरा रहे इतना चतुर रहे कि वो भी वो फल छोड़े जो कभी उन्हें देखे नहीं हुए, जो कभी खाया नहीं हो, वो जो फल छोड़ेगा भैया राम फल कहां मिलने जाएगा, अपन को कहां देखाएंगा, कहीं को राम फल छोड़ दे, कहीं को कबीर छोड़ दे, कहीं को सीताफल, और कहां जंगल में लेने जाऊंगा सीताफल छोड़ दे, पर कहेगा आज तक केला छोड़ता नहीं देखा, सेव फल छोड़ता नहीं देखा, अंगूर छोड़ता नहीं देखा कि किसी ने छोड़ा। जो प्रिय है जो सहजता से उपलब्ध हो जाए वो फल कोई नहीं छोड़ता, जो नहीं मिला जेगा कभी दर्शन नहीं हुआ वो फल हम छोड़ दे। लेकिन ये कहां तक सही छे कहां तक सत्य छे ये तो भगवान जाने, लेकिन एका ऊपर कभी हम चिंतन करा, एका ऊपर थोड़ा विचार करा, देखो विवेचन करा, एका ऊपर थोड़ा कभी चर्चा करा कि फल छोड़ना कि क्यों कही,
तो यहां गुरु कभी ये फल न के छोड़ना है कि नहीं कहे, क्योंकि वो फल न से कहे दुश्मन से गुरु जी कि तुम आम मत खा जाओ, कि केड़ा मत खा जाओ, कि अंगूर मत खा जाओ, कि सीताफल मत खा जाओ, कि रामफल मत खा जाओ। फल छोड़ना की बात नहीं कही, फल की आसक्ति छोड़ना की बात कही। भगवान लेकर कर्मण्यवादी का रास्ते माफ कदाचन कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर, फल में आसक्ति मत रख। जो हमारी फल में आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ना की कही, कर्म फल की आसक्ति छोड़ना की कही। आप विचार करो कि भगवान को सबसे प्रिय कैसे, हम कितना ही पकवान बने ले, 56 प्रकार का पकवान बने ले, और जब 56 प्रकार को भी पकवान को भोग आप भगवान के लगाओ तो भगवान आपको 56 प्रकार को भोग कब तक स्वीकार नहीं कर रहा। जब तक उस भोग का अंदर उस 56 प्रकार का पकवान का बीच जब तक तुलसी दल नहीं रहेगा तब तक भगवान आपको भोग स्वीकार नहीं करना। तो भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों थी? क्योंकि तुलसी का अंदर संसार में ऐसा बहुत ही दुर्लभ वृक्ष होगा जो फल रहित है, और तुलसी का अंदर कोई फल नहीं है। तुलसी का अंदर फूल, किसी भी वृक्ष में आप देखो पहला आओगे फूल और फिर आओगे फल और फिर फल में आओगे बीज, लेकिन एक तुलसी है ऐसो पौधों से, तुलसी एक ऐसो वृक्ष छे कि जेका अंदर फूल का साथ सीधो बीज आवे ओखा अंदर कोई फल नहीं आता, और जेका अंदर कोई फल की कामना नहीं हो, जेका अंदर कोई फल की आसक्ति नहीं हो, भगवान को वही प्रिय छे और भगवान उसे कस स्वीकार करे तब भगवान ने कोई कर्मण्यवाद का रास्ते मा फले सुखदातन। तो कर्म कर फल की चिंता मत कर, वही निष्काम सेवा है, वही निष्काम कर्म है, और भगवान उन्हीं को स्वीकार करे। फल की आसक्ति छोड़ना एक कही, लेकिन आसक्ति तो नहीं छूटे तो हम फल ही छोड़ देवा, ये कहीं ना कहीं एक दिशा भटकी हुआ। और आज सिंगाजी बाबा भेंट परंपरा को निर्वहन कर रहा है कि चलो जो परंपरा बनेल छे, जो विधान बनेल छे, अभी अपनी शुरुआत है, अभी अपन को दीक्षा मिली, आगे खाओ पर चर्चा करांगा, आगे खाओ पर कुछ न कुछ चिंतन करांगा, लेकिन अभी अपन को गुरु महाराज को भेंट करने तो भेंट कर देवा। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था लेना तो गया नहीं था, क्योंकि वहां तो पहला गए थे, जो कछु हो तुम्हें उपदेश किया सा ताजी माया मन फिरो उदासा सबको त्याग करेंगे। वहां कहीं पैसा लेने गया कि नारियल लेने गया कि अगरबत्ती लेने गया कि कपड़ा लेने गया कि रुमाल टोपी लेने गया, वहां कहीं लेने गया क्या? तो बिल्कुल विरक्त ही न गया था। लेकिन अब भेंट दे गुरु महाराज का तो भेंट का ही दे। उसी समय सिंगाजी बाबा वही गुरु आश्रम में एकांत में बैठी न एक पद लिखे, एक भजन लिखे, गुरु महाराज को भेंट स्वरूप देना का लिए, अपना आप को बोध देना का लिए, और हम जैसा जीवन का लिए एक मार्गदर्शन देना का लिए। उस समय सिंगाजी बाबा एक भजन लिखे, एक पद लिखे कि तू चेत रे हरिजन, तू चेत रे हरिजन, क्यों फिरता है बन बन, तू चेत रे हरिजन। भैया अब तो चेती जा, अब तो समझी जा, अब तो जागी जा, ये देह रूपी वनन के अंदर तू कब से भटक तो चलिए, आज से नहीं अनादि काल से, और एक दो चार नहीं 84 लाख योनि नम भटक तो चलिए, लख 84 योनि भर में हो भटक्यो कहीं अवतार, एक दो अवतार की बात नहीं कहीं अवतार, और ये तो थारा पूरब जन्म को कोई पुण्य जो लड़ी है तो आज दुख मिले मानुष आता है। 84 लाख योनि की परिक्रमा लगाया तू ना, जब तुक आज ये मनुष्य तन मिलियो, ये भरमी न पायो तन,
पर भैया ये तन के यहां कोई वतन नहीं है, एक यहां कोई जागीरी नहीं है, एक यहां कोई गारंटी नहीं है। सिंघाजी बाबा लिखन नहीं, काची काया को पिंड बनायो, एक ही महिमा आती अपार। अब एक ही महिमा बड़ी अपार छे, महिमा तो इतनी दिव्य छे, इतनी अलौकिक छे, स्वयं भगवान का है। देखा अंदर इतनी अलौकिक व्यवस्था दी, इतनी सुंदर व्यवस्था दी। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्रायस भजस्माम, हे अर्जुन सुख रहित ये क्षण भंगुर शरीर जो छे, क्षण भंगुर छे, नाशवान छे। हे अर्जुन सुख रहित क्षण भंगुर, किंतु ये दुर्लभ मानव शरीर पाकर तू मेरा भजन कर, क्योंकि ये अधिकार केवल मैंने मनुष्यधारी जीवों को दिया है। भजन करना को आदेश, भजन करना को अधिकार केवल मनुष्य के दिया है। देखिए महिमा बड़ी अपार बताई, काची काया को पिंड बनायो, एक ही महिमा बड़ी अपार, लेकिन एक ही पाव पलक की खबर ना भाई, एक ही खबर पल भर की नहीं। एक मकान बनाना वालों कारीगर अगर मकान की नींव मजबूत डाल दे तो उस मकान की भी वो गारंटी ले ले कि भैया 100 साल की 200 साल ये मकान गिरना को नहीं, मैंने की नींव इतनी मजबूत बने। लेकिन ये 3.5 हाथ का मकान की देखिए कोई गारंटी नहीं कि ये कब ढड़के जाए। अरे आप दुकान का ऊपर एक घड़ी लेना कर ली जाओ तो दुकान की भी गारंटी ले लेगी भैया नंबर एक घड़ी से, बिल्कुल अच्छी कंपनी की घड़ी से, 5 साल की गारंटी से, आप बेझिझक ले जाओ। अब घड़ी की गारंटी 5 साल की थे, लेकिन लेना वाला किन देना वाला की घड़ी की भी गारंटी नहीं, क्यों घर भी आवाज के लिए। तो गुरु महाराज की ये भरमी न पायो तन, ये तन की या नहीं वतन, और ये झूठो माया धन यहां प्रधान बनी को मन। एक मन की प्रधानता छे, एक मन की मान्यता छे कि ये मारो घर आए, ये मारो खेत आए, ये मारी बाड़ी आए। लेकिन जरा विचार करो कि हम कभी कहा कि ये घर मारो आए, तो घर का अंदर जो उंदरा फिरन नहीं उनका रिश्तेदार आवा तो वो भी पूछे भी ये घर किनको आए, तो वो भी कहे कि अपना तो घर आए। क्यों कीड़ा मकोड़ा फिरता रहे उनका से पूछे, जो मच्छर न से उनका रिश्तेदार पूछे ये घर किनको आए, कि अपनी महावेली है ये अपना ही मकान है, तो वो उंदरा कह कि हमारो मकान आए, मच्छर कह कि हमारो मकान आए, एक कीड़ा मकोड़ा कह हमारो मकान आए, और हम रहने का ये मकान हमारो आए, तो आखिर आए किनको, इसकी कोई गारंटी ना, घर तेरा ना घर मेरा, एक तो है रहन बसेरा। सिंघाजी बाबा ये भरमी न पायो तन, ये तन की या नहीं वतन, ये झूठो माया धन यहाँ प्रधान बने गो मन। ये मन ने केवल एक अपनी मान्यता बने ली कि मारो घर आए, ये तो आप बताओ कि यह जमीन यहाँ के यहाँ छे, लेकिन यह जमीन पर से कितना चलेगा, ये कहता कहता कि ये हमारी जमीन आई, ये हमारी जमीन आई, ये हमारी जमीन है, लेकिन जमीन जहाँ कहता रही है वो कब से कहना वाला कहीं चली गया। ये मन की एक मान्यता है, मन एक प्रधान बने चुके हैं, एक मन अपनी मान्यता बने रखे, और मन को न तो कोई जीव है वो ना कोई पवन है, मन को जीव नहीं पवन, तू चेत रे हरि जन, ये झूठा है रे कुटुंब, कुटुंब लक्ष्य तुम, ये भी सब झूठा है। आज छेकल नहीं रहना का, ये भी सब एक स्वार्थ के लिए तो पटकेल छे, जिनका हम काज की ये हमारो घर आए, ये हमारो परिवार आए, ये हमारा रिश्तेदार आए, ये हमारी समाज आए, ये हमारो पुत्र आए, ये हमारी पत्नी आए, जिनका हम हमारो हमारो कह रहा है, मेरा मेरा कहता कहता कहीं चलेगा। ये मन कहता मेरा मेरा जात प्राण नहीं रोका, अब थारो आए तो का प्राण जात जरा रोकी लो। ये मन करता मेरा मेरा जात प्राण नहीं रोका, और ये भाई बंद कुटुंब कबीला, एक दिन पाले सो का साधु संभाली अपना मौका, नहीं तो एक दिन होगा धोखा साधु संभाली अपना मौका, तो समाल एक मत समाल है, ये तो सब एक स्वार्थ का ऊपर डिपेंड। और जिस दिन हमारा ऊपर आओग, हमारा ऊपर बितग, तब हमको याद आओगे क्या रे, जिनका हम अपनों मानता था, जिनका हम अपनों कहता था, ये तो सब एक दिन साथ छोड़ दे रहा है, वो सब एक दिन चली जाएगा, और एक दिन सब जाना वाला छी, क्रम चलतो जाई रहो, ये क्रम बढ़तो रहे, फिर उस दिन हमको याद आओगे कि भैया ये सब स्वार्थ वाला था, यहाँ कोई किसी को नहीं, इसलिए हमारा संत अपनी वाणी में प्रमाण देने गया।
हो भाई रे सबरे सरते वाला लोगे, हो भाई रे सबरे मतलब वाला लोगे, अबे मोहे खबर पड़े। हो भाई रे सबरे सरते वाला लोगे, अबे मोहे खबर पड़े। हो भाई रे सबरे मतलब वाला लोगे, अबे मोहे खबर पड़े। हो भाई रे सबरे मतलब वाला लोगे, अबे मोहे सबरे मतलब वाला लोगे।
सिंह जी महाराज की जय। भैरे सबरे मतलब वाला लोग अब मोहे खबर पड़ी, कब जब हमारा ऊपर बीते तो। जब लग बेल चले घना में तब लग कदर घनी। एक किसान भी अपना घर बैल जब तक ओका हल वखर में चले ओका काम आवे तब तक ओकी खूब सेवा करे, समय पर दानो, समय पर पानी, समय पर घास। लेकिन जैसे ही विचारो वृद्ध ही जाए, हल वखर में चलना लायक नहीं बचतो, तो नात मछुंडी काट देने फिर फिरा कर रुखड़ा रुखड़ा। वो फिर विचार करे कि अरे पहले तो लोग हमारी खूब सेवा करता था, समय पर पानी पिलाता था, समय पर घास डालता था, समय पर दाना खिलाता था, लेकिन अब तो हमारा तरफ कोई झुकी नहीं देखता। तब वो कोई याद आवे, अरे जब तक हम इनको काम करते थे नहीं, इनका हल बखर खींचते तो तब तक ही हमारी सेवा करता था। जब लग बेल चले घना में तब लग कदर घनी, और बूढ़ो हुयो पटसार ना पूछे, फिरे वो तो गली रे गली अब मोहे खबर पड़ी। जब लग तेल जले बाटी में दीपक का अंदर, जब तक तेल रहेगा, जब तक घी रहेगा, तब तक ही प्रकाश देगा। और खुट गया तेल, बुझ गई बतिया, फिर घोर अंधार पड़ी अब मोहे खबर पड़ी। तो आज सिंगाजी बाबा की भैया ये सब एक स्वार्थ को संबंध, ये झूठा है रे कुटुंब, कुटुंब लक्ष्य टोम, तू बठ्यो विरानी भूम या झूठा हाक हको। तो सामर्थ की गहले शरण, वो समर्थ की शरण पकड़, वो समर्थ का सानिध्य में जा। जब तक हम कोई समर्थ की शरण में नहीं जावा, तब तक न तो हमारो तरण है और न ढंग से मरण है। शरण पकड़ा तो कोई समर्थ की, कोई सदगुरु की, कोई संत की, कोई महापुरुष की। सामर्थ की गहिला शरण तो चेत रे हरि जन, ये सुंदर संग चढ़ी जा गगन, फिर गगन में हो जाए मगन। और जब लगा साहेब से लगन तो फिर मिटी जाए आवागमन, तू जोई लो प्रेम रस सुन तो चेत रे हरिजन। आज सिंगाजी बाबा इस पद की रचना करे, लेकिन छाप अपना गुरु महाराज के लगा कि कहे मनरंगिर सुन रे भाई तुख क्या कहूं समझाई। ये तो ब्रह्मगिरि की महिमा छाई, जब कटी कर्म की काई और ये परिवार को करी द हवन तो चेत रे हरिजन। आज सिंगाजी बाबा इस पद की रचना करे, पद लिख और गुरु महाराज मनरंगिर बाबा को भेंट स्वरूप देना का ली जाए। लेकिन जैसे ही सिंगाजी बाबा गुरु महाराज को भेंट स्वरूप देना का ली गया तो मनरंगिर बाबा सिंगाजी बाबा को देखे नहीं, कहने लगे कि भैया सिंगा भी तो घर नहीं गए, अरे तो को उपदेश मिलेगो, दीक्षा मिलेगी, भैया अब अपना घर जा, सबका साथ रह, सबकी सेवा कर, सबसे मिले जुले रह, और जो दुख मार्गदर्शन मिले मन वचन कर्म का साथ, पूरी निष्ठा का साथ भजन कर। कहे मनरंग सुन रे भाई घर अपने की करो समझाई, कहे मनरंग सुन रे पोता घर अपने की करो समझाई। तो उसी समय सिंगाजी बाबा गुरु महाराज से हाथ जोड़े में कहने लगे कि गुरु महाराज अरे बड़ी मुश्किल से तो अब मगर घर मिले, और ये घर को छोड़े ना मगर कहां जंगल में भेज रहा है, अभी तक हम जंगल ही तो वास कर रहे। तो और बाबा ने कहने के वनखंड माई महकी चराई, मैंने जंगल वास कियो, गुरु जी मारो अहिला जन्म गयो, अभी तक जो मारो जन्म गयो व्यर्थ गयो, अहिला गयो, अभी तक मैंने जंगल में ही जीवन बिताया, घर तो मखा अब मिले। कहे मनरंग सुन रे भाई घर अपने की करो सुन जाए। तो समय सिंगाजी बाबा कच्ची, कहे सिंगा मैं घर मेरो पायो, ताते शरण तुम्हारी आयो, और आज से तुम ही मात पिता गुरुदेवा, तुम बिना जानो सब झूठी सेवा, और सब है माया के फंदा, ये कनक कामनी नर सेवे अंधा, ये माया ठगोरी ने सब चुख खाया, देव ब्रह्मा सब ही न जाया, ले डूबी या कुल समेता, और अंकी तुम्हें कह लग करो बाता, और ये माया का संग मैंने बहुत दुख पायो, और ताते शरण तुम्हारी आयो। गुरु महाराज अब मक हमारा घर मिले, और इस घर को छोड़े ना अब मक जंगल में मत भेजो।
कहे सिंगा मैं घर मेरो पायो। और अब तुम्हारो एक ही विश्वास से, एक ही निष्ठा, एक ही दृढ़ता, क्या से तुम ही मारा माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, मित्र भी, सब आप। तुम ही मात पिता गुरुदेवा, तुम बिना जानो सब झूठी सेवा। और सहज धंधा कनक कामने नर सेवे अंधा, ये माया ठगोरी न सब जो खायो, देव ब्रह्मा सब ही न चायो, और ले डूबी या कुल समेता, और अंकित तो मैं कहां लग करो बाता। और ये माया का संग मैंने बहुत दुख पायो, ये माया ने बड़ो दुख दियो मैंने, ये माया का संग मैंने बड़ो दुख पायो, अब तो हूं तुम्हारे शरण आयो, अब मख ये दुख का घर में मत भेजो, अब तो हूं मैंने आनंद को घर पायो। तो उसमें मनलंगिर बाबा सिंघा जी बाबा को एक समझाइश देता है, कह रहा है, एक मार्गदर्शन देता है, कह रहा है कि भैया सिंघा, ये माया कभी किसी को दुख नहीं देती, और माया हमको दुख दे यही हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है, इसी भ्रम को दूर कर दो हमको, इसी भ्रम की निवृत्ति कर दो हमको। माया कभी किसी को दुख नहीं देती, माया तो कहीं ना कहीं हमको सुख प्रदान करे, माया तो एक हमारी व्यवस्था है, माया हमारी एक आवश्यकता है। कहे मनरंग सुन रे भाई, ये बिन माया कैसे भक्ताई, आप विचार करो कि 3 घंटा ये छाव में बठिन हम गुरु महाराज की कथा सुनी रहा है, तो यह माया हमको दुख दे रही कि सुख दे रही है। माया कभी किसी का दुख नहीं, माया तो सुख ही प्रदान करे। कहे मनरंग सुन रे भाई, ये बिन माया कैसी भक्ताई, पूजा अर्चना को माया देनी और सुमरण काज रसना की नहीं, भगवान का मंदिर में जावा 2 अगरबत्ती भी लगाओ तो कभी दुकानदार को 2 रुपया देना पड़ो पहले, बिना माया की तो पूजा पाठ भी नहीं होती। और हम चाहवा कि भैया हमने ये बाहरी पूजा पाठ सब छोड़ दी, हम तो केवल मानसिक जप कराए, मानसिक पूजा कराए, मानसिक सेवा कराए, तो गुरु महाराज के कि भैया ये शरीर भी तो माया को ही आए। हमारा संत शास्त्र तो यहां तक प्रमाण दे कि गौ गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई, जहां लग आपकी दृष्टि जा रही तहां लग माया ही माया छे, जहां लग आपका मन की दौड़ छे वहां तक माया ही माया छे। आप माया से बची न जाओगे कहां, गौ गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई। तो भैया ये माया कभी किसी को दुख नहीं देती, माया तो कहीं ना कहीं सुख ही प्रदान करे, लेकिन फिर गुरु महाराज के भैया कभी कभी यह माया दुख दे, लेकिन कब, जब ओका हम अपनी मानना की भूल कर ले, जब ओका हम अपनी बनावना की भूल कर ले, वैसे तो माया सुख दे, सुख प्रदान करे, लेकिन जब हम अपनी मान ले, अपनी बनाई ले और अपनी मानना की भूल कराए तभी माया दुख दे। और वास्तविकता सत्य भी यही है भैया, आप कभी किसी दूसरा की अमानत का अपनी बनाओगे तो स्वाभाविक से कि देखिए आए वो आपको दुख ही देगा। जैसे ये बाहर गाड़ी खड़े थे, आप गाड़ी पास जाओ और कहो कि भैया ये गाड़ी मारी आए, ये कार मारी आए, ये मोटरसाइकिल मारी आए, तो देखिए आए वो आपको दुख नहीं देगा तो कहे सुख देगा, तो माया किनकी आए, माया मेरे नाथ की तू मत अपनी जान, और खाते देते खुटे नहीं सब जग भयो हैरान। थारा जो उपयोग मायरी वो को उपयोग कर, आपका हो सकता है भैया जरा चाबी दीजो गाड़ी ले जरा मार्केट जाना, हाँ भैया ये चाबी ला, वो गाड़ी खड़ी बाजार जा अपनो काम कर, वापस आ गाड़ी टेक चाबी हाथ में दो काम खत्म। नहीं आप तो कहो कि नहीं ये गाड़ी तो मारी जाए, या गाड़ी तो मारी जाए, तो जेखी आए वो आपको दुख नहीं देगा तो कहीं माड़ा पेरा, आप दूसरा की अमानत का अपनी बनाओगे तो स्वाभाविक से कि जेखी आए वो आपको दुख देगा। बाकी माया दुख नहीं, माया दुख को कारण नहीं है, संसार दुख को कारण नहीं है, परिवार दुख को कारण नहीं है, दुख को कारण अगर कोई से तो केवल अपना मानना दुख को कारण है। एक बार एक मकान में आग लगी तो जो मकान मालिक थे वो बिचारो इतनो रोवा, इतनो कल्पा, इतनो कुड़ा
कि आज मारा मकान में आग लग गई, मारा मकान जलेगा, मैंने कितनी मेहनत से मकान बनाया, मैंने कितनों पैसों खर्च लगाया, मैंने कितनों धनों का अंदर लगाया, मैंने कर्ज उठे ना पैसों लगाया, लेकिन मारा मकान आज जलेगा। बेचारो खूब रोवो, खूब कल्पा। अब इतना में दो चार दाजी दूसरा आया, उनने पूछे दादा क्यों रो रहा है, क्यों कल्पी रहा है, क्यों कुड़ी रहा है? अरे बोले भैया मारो मकान जलेगा, मैंने बहुत पैसा लगाया, कल बहुत मेहनत से मकान बनाया, बहुत पैसों खर्च कर दी मैंने, पर मारो मकान जलेगा। अरे बोले दादा शांति रहो, ये मकान तो कल तुम्हारे छोरा ने बेची दियो। तो जो रोई रो तो, जो कल्पी रो तो, जो कुड़ी रो तो, वो हंसने लगे कि चलो अच्छी बीमारी टड़ी, आप देखो बेची ओखो गए अपनों का ही गए। अब जो मकान का नाम को अभी रोई रो तो, कल्पी रो तो, कुड़ी रो तो, और जैसे ही खबर लगी कि मकान बिकी गो, तो वो रोना वालों भी हंसने लगे कि अब जेख दियो, जेख बेचियो, ओखो बड़े अपनों का ही बड़े, अपन का तो पैसा मिलेगा। अब इतना में कहीं फिर तो कर तो छोरो आयो, उन्हें देखो बोले पिताजी मकान जड़े रहो अपनो, बोले पिताजी मकान जड़े रहो, अरे बेटा बढ़ना तूने काल बेची तो दियो, अब देख दियो ओखो गए अपन का तो पैसा मिलेगा, झंझट खत्म अपनी। अरे दादा बेची तो दियो पर सौदी हट फैल। तो यहाँ दुख किन्ने दियो? मकान ने दुख नहीं दियो, उस मकान को ना अपनो माने बैठे, और वो अपनो मानो ही दुख को कारण है। आदमी ने जो बनाया, आदमी ने जो कमाया, आदमी ने जो जाया, आदमी ने जो परनाया, अपना बनाया, अपना कमाया, अपना जाया, अपना बनाया ही दुख को कारण है। माया कभी किसी को दुख नहीं देती, माया कहीं ना कहीं सुख ही प्रदान करे। और आज मनरंगीर बाबा सिंगाजी बाबा का यही उपदेश कर रहा है कि कहे मनरंग सुन रे भाई, ये बिन माया कैसी भक्ताई, पूजा अर्चना को माया दीनी, सुमरण काज रसना कीनी, बिन माया परमारत्मा होई, जैसे वस्त्र बिना नंगी देही, परमारत तो कबीरा कीनो, वस्त्र फाड़ हाथ में दीनो, ऐसो परमारत जब कीनो एक चीता, तब दर्शन दीनो श्री रघुनाथा, और घर में रहे सोई जन साचा, सो सेवक कहियो मनसा वाचा। कबीर जैसा, रामदास जी स्वामी जैसा, गुरु साहब महाराज जैसा, जेता बाबा जैसा, मीरा बाई जैसा, रायदास जैसा, धना जाट जैसा, सको भाई जैसा, जितना भी संत रहा वो इसी माया में रहा, इसी संसार में रहा, लेकिन इस संसार में रहते हुए, इस माया में रहते हुए उनका संबंध केवल मायापति से जोड़े न रखे, माया से नहीं। और इस माया में रहते हुए हमने अगर मायापति से संबंध जोड़ लियो, तो फिर माया का पीछे दौड़ना की जरूरत नहीं, माया खुद आपका पीछे दौड़ेगी। लेकिन हमारो जो संबंध है वो केवल मायापति से जुड़ना चाहिए, मायापति का साथ हमारा संबंध जुड़ा, और मायापति से अगर हमने संबंध जोड़ लियो, तो फिर माया का पीछे दौड़ना की जरूरत नहीं, माया खुद आपका पीछे दौड़े। रहो माया में, रहो संसार में, रहो परिवार में। और सिंगाजी बाबा के गुरु महाराज ने वही तो उपदेश दियो कि तजी माया मन फिरो दासा, तन से नहीं मन से इनको त्याग कर, बाकी इनके साथ में रह, इनकी सेवा कर, घर में रहे सोई जन साचा, सो सेवक कहियो मनसा वाचा, कहे मनरंग शब्द हमारो मानी लीजो, और घर जाने सेवा सबन की कीजो, और माने शब्द भयो ले लेना, और सदगुरु कहो सुने से कीना। उसी समय सिंघाजी बाबा श्री गुरु महाराज की राज की भैया, जो तुझको शब्द मिले, जो तुझको उपदेश मिले, मन वचन कर्म का साथ, पूरी निष्ठा का साथ, उस शब्द से संबंध जोड़, परमात्मा से संबंध जोड़, सतगुरु से संबंध जोड़, बाकी यहां तो केवल अपना दायित्व पूरो कर, अपना फर्ज पूरो कर। कहे मन रंग शब्द हमारो मानी लीजो, और घर जाना सेवा सबन की कीजो, और मत भयो लव नीना, और सदगुरु कहो सो निश्चय कीना, माने शब्द जब मंदिर आए, और कुटुंब सहित सब सुख पाए। उसी समय सिंघाजी बाबा गुरु महाराज से उपदेश लेना, दीक्षा लेना, जब अपना निज निवास स्थान पर आया, रामनगर चारखेड़ा से नगर हरसुद गांव पर आया, तो मन वचन कर्म का साथ, पूरी निष्ठा का साथ गुरु महाराज का आदेश को पालन करने लग गया, उस मार्गदर्शन को अनुसरण करने लग गया। तो देखो जैसे अपन एक बच्चा को स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं,
बच्चा को स्कूल में नाम लिखाए बच्चों स्कूल जाना चालू कर दे। अब बच्चों स्कूल जाना चालू करे तो फिर वहां जाने के बाद पढ़ाई भी करे, और जब बच्चों पढ़ाई करेगा तो फिर एक दिनों की परीक्षा भी होगी। आपसे अगर गुरुजी कभी कहीं भी देखे भैया आपको बच्चों पढ़ना में बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, हम ओका से जो भी प्रश्न कराए उसको तुरंत जवाब दे, आपको बच्चों पढ़ना में बहुत तेज है, तो आप गुरुजी से कहो कि भैया हमारा बच्चा अब आपको इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हमारो बच्चों पढ़ना में बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, जो आप प्रश्न करो उसको तुरंत जवाब दे, तो एक काम करो जो हमारा बच्चा की परीक्षा मत लीजिए, उसको पास कर दीजिए। तो गुरुजी पास कर देखता है, वो कहे कि नहीं भैया बच्चा की परीक्षा तो होगा, बिना परीक्षा को कोई बच्चों पास है? तो बोले आप ही तो कह रहा है कि बच्चों पढ़ना में तेज है, बुद्धिमान है, चतुर है, जो प्रश्न करा जो तुरंत जवाब दे, तो जब आपको भरोसा है तो पास करो। गुरु जी कहे भैया तुम्हारो बच्चों कितनों भी तेज क्यों नहीं हो, कितनों भी बुद्धिमान क्यों नहीं हो, कितनों भी पढ़े में अच्छा क्यों नहीं, अगर वो स्कूल गयो उन्हें पढ़ाई करी तो की परीक्षा निश्चित है, और परीक्षा उनकी होगा जो स्कूल जाएगा जो पढ़ाई करेगा। कि आज तक कोई सुनने को मिले कोई ढोर चरावने नहीं परीक्षा हुई हो, परीक्षा उनकी होगा जो स्कूल जाएगा जो पढ़ाई करेगा। तो आज सिंगाजी बाबा गुरु महाराज का सानिध्य में गया माने उनको एडमिशन हुए, गुरु महाराज द्वारा जो मार्गदर्शन मिले सिंगाजी बाबा का, सिंगाजी बाबा उस मार्गदर्शन को मन वचन कर्म का साथ अनुसरण करने लगे माने उनकी पढ़ाई चालू हुई। अब पढ़ाई चालू हुई तो फिर एक दिन परीक्षा होने, जैसे बच्चा की परीक्षा साल भर में हो तो ऐसे यहाँ सिंगाजी बाबा की भी साल भर बाद परीक्षा, गुरु दीक्षा का साल भर बाद की एक घटना कि ता पीछे बरस एक जो बीतियो भयो उपाव एकण चित्यो आन चिति आन गैब की ओर ना जाने भेव और महकी तस्कर लेगा यार उठे नारायण देव। गुरु दीक्षा का साल भर बाद की घटना कि एक दिन कोई चोर आया और सिंगाजी बाबा की भसीन चोरी नहीं गई, महकी लीनी जब ही चोरा ध्यावे लोग नगर चौ और पाड़ा पाड़ी घर में रह के लीनी महकी तस्कर छे के घर का लोग खिजे और भांडे पर सिंगाजी अपने टेक में छाने। जैसे ही चोर आया भसीन चोरी ने लेगा तो गांव का लोग परिवार का लोग घर का लोग सब भसीन को ढूंढना का ली जाए, कहीं जंगल न मन तो कहीं खेत न मन तो कहीं गांव अन गांव न मन तो कहीं नदी नाला किनारे किनारे सब दूर भसीन को ढूंढने का ली जाए, लेकिन कहीं भी भसीन को पतो नहीं चला। अब गांव का लोग भी गया परिवार का लोग भी गया घर का लोग भी गया और सिंगाजी बाबा अपनो घर छोड़ने कथे नहीं गया, क्योंकि सिंगाजी बाबा समझेगा कि अपन गुरु महाराज के शरण में गया तो गुरु महाराज ने पहलो शब्द अपना से ये कहे तो कि जो कछु हो तुम्हें उपदेश की आशा तजी माया मन फिरो उदासा, और अपन कभी भसीन का ढूंढना चलेगा तो कहीं न कहीं अपना मन क्या सकती, और शायद गुरु महाराज की परीक्षा है तो अपन ये परीक्षा में फेल भी हो सका, तो भैया अपन तो यहां बटी रहो परीक्षा है और अपन को फेल नहीं होगा। अब सब गया लेकिन सिंगाजी बाबा अपनो घर छोड़ने को नहीं गया, अब घर का लोग उनको डांट फटकार भी लगा, कह रहे गांव का लोग परेशान हो रहा है, घर का लोग परेशान हो रहा है, परिवार का लोग परेशान हो रहा है, और तुमसे कि घर माथा का हाथ लगन बैठा, घर का लोग खिजे और भांडे पर सिंगाजी अपनी टेक नहीं छाने, सिंगाजी बाबा उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे, परिवार का लोग बड़ा दुखी हुआ दुर्मुख भया सब परिवार कि आज अपने सारी जीवन भर की कमाई चलेगी सारी भसीन चोरी चलेगी, लेकिन बाबा बड़ा खुशी हुआ सिंगाजी हर के मन मन जा रहा, बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अच्छी बीमारी टलेंगे तो रोज कुल चरावने जाते हैं इनको, एक ही दिन गए ना काम खत्म, उनको जरा भी दुख नहीं, जरा भी मायूसी नहीं, जरा भी उदासी नहीं, क्योंकि सिंगाजी बाबा को एक ही लक्ष्य था, सिंगाजी बाबा को एक ही मान्य थो कि मेरा तो गया नहीं और जो गया वो मेरा नहीं, अपनी भसीना तो कतई चोरी गई नहीं और जो गई ना वो अपनी नहीं, क्योंकि अपनी होगा तो आई जाएगा और नहीं तो देखी जे ना नहीं गो, अपन अपना भजन को क्यों छोड़ा, अपन अपना सत्संग को क्यों छोड़ा, अपन अपना धर्म को क्यों छोड़ा, अपन अपनी साधना को क्यों छोड़ा, अपन गुरु का बताया मार्गदर्शन को क्यों छोड़ा। सिंगाजी बाबा अपना भजन से लगी रहा और यही संत की पहचान है
कि भगवान कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा क्यों नहीं ले, लेकिन संत कभी अपना मार्ग को नहीं छोड़ता। हरि की कसौटी पर खरा उतरिया जिन्हें नहीं अपनो पंथ निर्गुण तंत्र पहचान लियो कोई संत। बाबा ने अपना मार्ग नहीं छोड़े, अपना भजन नहीं छोड़े, क्योंकि सिंगाजी बाबा इस बात से भली भांति परिचित था कि अपन जिस मार्ग पर चली रहा है, इस मार्ग का ऊपर ऐसी कठिन से कठिन परीक्षा ना, ऐसी मुश्किल से मुश्किल घड़ी ना को सामना करना पड़ेगा। ये एक परीक्षा है, और कैसी भी समस्या हो, कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी प्रतिकूल समस्या क्यों नहीं हो, लेकिन कभी भी हमको डगमगाना नहीं है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर रोज जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर गया वो मर गया इस जंग में यारो, लेकिन जो लड़ता है उसके कदमों में जहान होता है, जो लड़ता है उसके कदमों में जहान होता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, सदगुरु से ये मत कहो कि मेरी समस्या विकट है, सदगुरु से ये मत कहो कि मेरी समस्या विकट है, अरे उस समस्या से कह दो कि मेरा सदगुरु निकट है, मेरा सदगुरु निकट है, हमारा सदगुरु हमारे साथ है। हमको घबराना क्यों सकता नहीं, क्योंकि सिंगाजी बाबा इस बात से भली भांति परिचित था कि इस मार्ग का ऊपर ऐसी कठिन से कठिन परीक्षा न होगा, ऐसी मुश्किल से मुश्किल घड़ी न को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को इतिहास साक्षी छे, इतिहास गवाह छे, हमारा शास्त्र प्रमाण दे कि कितना बड़बड़ा भक्त हुआ। सिवी ददीची हरि चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंती देव भली भूप सुजाना, धरो धर्म ते संकट ना। सिवी को कटना पड़ा, रंती देव को निराहार रहना पड़ा, राजा बलि को सर्वत्र त्यागना पड़ा, हरिश्चंद को बिकना पड़ा, और राजा मोर ध्वज का तो अपना बच्चा का ऊपर भी आरोप चलाना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्हें अपना धर्म का नहीं छोड़े, अपना सत्य का नहीं छोड़े। जब ये सर्वस्व लुटेगा तो भी इन्हें अपना धर्म नहीं छोड़े, अपना मार्ग नहीं छोड़े, तो अपने को खाली भसी ना गए नहीं, उनका पीछा अपन अपना मार्ग के छोड़ दिया, भजन का छोड़ दिया। सिंगाजी बाबा ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेंगे आया, अगर अपनी होगा तो आना पड़ेगा। जन नहीं गो, इतनी चिंता नहीं, इतना शोक नहीं, इतनी उदासी नहीं। अब ऐसा करता करता दो दिन व्यतीत हुआ, कल्पत करता दिन दो जो बीता, तब सिंगाजी बोले अनचित। दो दिन बाद सिंगाजी बाबा का मन में ये भाव आया कि अपनी भसीन चोरी गई ना, दो दिन हुईगा, ये गांव का लोग, परिवार का लोग, घर का लोग परेशान हो रहे, और अपन घर छोड़ने कथे नहीं गया, चलो ठीक से नहीं गया था, लेकिन अपन यहां बैठे बैठे भी तो देखी सका कि अपनी भसीन कहां चल किन्ना लई गो, क्योंकि बाबा का पास वो दूरदृष्टि थी, वो सूक्ष्म दृष्टि थी। तो उसी समय सिंगाजी बाबा अपना भजन में बैठा, अपना ध्यान में बैठा, और ध्यान दृष्टि द्वारा देखने लगे कि भसीन कहां चल किन्ना लई। तो जो चोर था, जो सिंगाजी बाबा की भसीन चोरी न लेगा, वो कहीं कुछ दूरी पर आज भी जंगल में पहुंचा था सही, और जैसे ही सिंगाजी बाबा की ध्यान दृष्टि में वो चोर आया, उसी समय गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई कि वो चोर जहां का तहां नेत्रहीन होगा, उनकी आंख न बंद, उनको देखानो बंद। अब जैसे ही वो चोर न देखानो बंद हुए, उनकी आंख न बंद हुई, तो वो चोर ही चोर फिर एक का एक झाड़ न कर, एक का ऊपर एक गुस्सा न कर कि देखो रे, हमने तुमको पहले कहा था कि सिंगाजी बाबा की भसीना है, इनका नहीं ले चलता, इनका नहीं ले चलता, पर तुम नहीं माने, अब हुईगा नहीं अंधा,
और अंधा भी ऐसी जगह पे होया कि ना तो कोई गांव का लोग आओगे ना परिवार का लोग आओगे, अब तुम घर जाओगे कसा। तो भैया फिर वहां बुद्धि देना वाला भी गुरु महाराज है, तो उनमें से फिर एक कहने लगे कि देखो रे अपन अंधा ऐसी जगह पोया कि ना गांव का लोग आओगे ना परिवार का लोग आओगे ना घर का लोग आओगे, तो अपन तो एक काम करा ये भसी न की पूछ न पकड़ा, ये जहां जागे वहां ले जागे, पकड़े ही जावांगा मार खा लेगा लेकिन बची तो जावांगा, मर तो का ही नहीं करते। उसी समय वो सारा चोर ना जो भसीना की पूछ न पकड़ी, अब भसीना की पूछ न पकड़ी तो भसीना ने अपना मुंडो जो फेरे तो भसीना ने कहा जानू अपनी गोठान पर, तो भसीना को चलो बटलो तो सब अपन को मालूम है काटा खोबा गारा कीचड़ सब एक कम कार, तो भी बेचारा सब भराता ही रहा। अब यो दृश्य सिंगाजी बाबा ने ध्यान में देखे तो उनको भी मन ही मन हंसे कि देखो रोज तो अपन अकेला चरवने जाता था आज कितना मस्की आई रहा अपनी भसीना का बीच, बिल्कुल लाइन लगी ना। तो उसी समय वो भसीना आई ना गोठान पर, तो कल्पत करता दिन दोई जो बीता तब सिंगाजी बोले अणचिता कि कहे सिंगा माता मोतन जो पासन दहो पैड़ी संजो आज गुरु गोविंद तुम्हारो ध्यायो तो करी पछाओ माल घर लाओ। दो दिन बाद सिंगाजी बाबा माता गौर भाई से कहने लगे कि मातेश्वरी चलो बर्तन तैयार करो बोदा पाड़ने को छोड़ो। तो मातेश्वरी तो बिल्कुल गुस्सा में थी झाड़ में थी, बोले क्यों? अरे बोले मातेश्वरी अपनी भसीन जो दो दिन से चोरी चली गई थी ना नी वो भसीन अपनी दुआ पाई गई गुरु महाराज की कृपा होगी। कहे सिंगा माता मोतन जो पासन धो पेड़ी संजो आज गुरु गोविंद तुम्हारो ध्यायो तो करी पछाओ माल घर लाओ, आज भसीना अपनी दुआ पाएगी ना। तो मातेश्वरी उल्टी डांटने लगी कि सीधो रह मरेगा आज भसीन खोल तीन दिन होएगा तो घर छोड़ी ना कदे गयो नहीं अना अब यहाँ बड़ो स्याणो बने रोज की भसीना दुआ पाएगी ना, एक भगवान सब थाराज में भरेगो बाकी लोग ने उनका बेचे खाए। मातेश्वरी उल्टी डांटा कि माता कहे स्याणो रे बुआ महकी गई ताको तीन दिन हुआ एक परमेश्वर तो में तायो और लोगन का बेची खायो, एक भगवान सब थारा जो भरेगो बाकी लोगन का बेची खायो। तो सिंगाजी बाबा समझेगा कि मातेश्वरी सबके आशीष रहने बिचारी स्वामी समझे मन के माही ये माता सबन की ऐसी होई कबीरा की माता सिकंदर पुकारी और नामदेव की माता भी दीनी गारी, जब इतना बड़ बड़ा संत हुआ उनकी मातृश्री उनका नहीं जानी पाई तो अपनी मातृश्री बिचारी अपन का कहीं जानी। स्वामी समझे मन के माही ये माता सबन की ऐसी होई कबीरा की माता सिकंदर पुकारी नामदेव की माता भी दीनी गारी, नामदेव भी भगवान का परम भक्त था और जिस समय नामदेव की उम्र मात्र 5 साल की थी बाल अवस्था थी तो नामदेव का पिता वामदेव इनको नित्य कर्म था कि भगवान का मंदिर में जाता था पूजा पाठ करता था दूध को भोग लगाता था। अब एक दिन कहीं बाहर जाना क्यों गए उनको तो उन्हें नामदेव से कहा बेटा नामदेव आज भगवान का मंदिर में जाए पूजा पाठ करी हो जाए और भगवान का दूध पी ले हो जाए। तो नामदेव भी बाल्यकाल से ही चेतन था जागी चुके थे और वो भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि एक आध दिन भगवान की सेवा का अवसर अपन को मिले तो अपन भी भगवान की सेवा कराऊंगा। तो उसी समय नामदेव बड़ो प्रसन्न हुए निकलने लगे कि हाँ पिताजी आप जाओ हम भगवान को दूध पे ले आऊंगा। अब सुबह से मातेश्वरी ने नामदेव को नहलाया धुलाया कपड़ा पहनाया एक आरती की हाल थाल सजाई और एक कटोरी में दूध दियो और कह बेटा जा भगवान को दूध पे ले आ। अब जैसे ही नामदेव भगवान का मंदिर में गए जैसे पूजा पाठ करता ही पूजा पाठ करी दूध की कटोरी सामने रखी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे कन्हैया हे गोविंदा आज इस भक्त को दूध स्वीकार करो गोविंदा रे हरि गोपाला दूध पियो हरि गोविंदा। लेकिन भैया पत्थर की मूर्ति का दूध पे भगवान दूध नहीं पे। नामदेव खूब मनाओ भगवान दूध पी लो भगवान दूध पी लो आज पिताजी बाहर गया उनने ये काम हमारा सुप्रत छोड़ने गया आज इस बच्चा की सेवा स्वीकार करो बच्चा के हाथ को दूध ग्रहण करो। लेकिन भैया भगवान दूध नहीं पे। नामदेव को मनाते मनाते दिन का 12 बजे जाए लेकिन भगवान दूध नहीं पीता। तो जब भगवान दूध नहीं पे तो नामदेव बाहर गयो दूध की कटोरी रखी ना और एक अच्छे तोड़ पत्थर उठाने लाए और भगवान से कह के दूध पेच की नहीं।
नहीं तो थारी या मूर्ति को फोड़े में चकना चूर कर दूंगा। और ये भी मत जान दे कि थारी या मूर्ति फोड़ी ना हो घर चली जाऊं, अरे यही पत्थर मारा ऊपर डालना हो महाराज भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बिना दूध पिलाए नहीं जाना। पत्थर से फोड़ तो है खंड बंड रे करो, और यही रे पत्थर से मैं भी मरूं। तो भैया कहल छे कि बालहट जोगहट और त्रियाहट, ये कभी तीन ही मन से हट कर लेनी तो जो काम नहीं होनी वो कभी एक बार होने पड़े। तो उस समय नामदेव की एक बाल हट भी थी और नामदेव की एक लगन भी थी भगवान का प्रति, वो को विश्वास भी तो, वो की निष्ठा भी थी कि अगर रोज पिताजी भगवान को दूध पिलावे तो आज अपना हाथ भी भगवान ने दूध पीना चाहिए। वो के अंदर एक निष्ठा थी, एक लगन थी, और लगन के अंदर वो ताकत थी, वो सामर्थ्यता थी कि हर कार्य सफलता की ओर जैसे है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। अरे ये लोग यूं ही मंदिरों में नहीं जाते, एक भक्त की आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है, एक भक्त की आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। उस समय नामदेव का अंदर वो लगन थी, वो निष्ठा थी, वो प्रेम तो, और भगवान को तो आदेश थे प्रेम ते प्रगटे सो मैं जाना, जहां आपका अंदर वो प्रेम जाग गया वह परमात्मा वहां प्रकट होने के लिए तैयार थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे सो में जाना। उसी समय उस पत्थर की मूर्ति से भगवान प्रकट हुआ और नामदेव की कटोरी उठाई और सारो दूध ग्रहण कर लिया। नामदेव बड़ो प्रसन्न हुए, दूध पी लेने घर आयो। मातश्री कहने लगी कि बेटा नामदेव आज तूने बहुत देर कर दी, और रोज सारा पिताजी आता था तो सबको चरणामृत बांटता था, आज इतनी देर लग गई थी और तूने तो चरणामृत तक भी नहीं लाया। नामदेव कहते कि मातश्री हमारा पिताजी का भी पाय लगा ने तुम्हारा भगवान का भी पाय लगा। अरे ना जाने उन्होंने भगवान के कैसी आदत डालीगा, दूध ही नहीं पे दिन का 12 बजेगा और जब दूध पियो तो उन्होंने चरणामृत को भी नहीं छोड़े तो लाऊं का ही। अब मातश्री विचार करत कि एका बाप को बुढ़ापो आएगा, आज तक भगवान ने दूध नहीं पियो और ये एक दिन में इतना सिद्ध हो कि भगवान का दूध पी ले आए, कते पूरा पारे ने खेलिया करे होगा और कते फेंकी आयो और अब यहाँ बड़ो सेणो बनी रहो कि भगवान को दूध पी ले आए। नामदेव कहते कि नहीं मातश्री भगवान ने सब दूध पिएगा, पिताजी आया उनका सामने ये बात रखी तो उनको भी भरोसा नहीं हुआ, कह रहे अपनी सारी उम्र चली गई सारा जीवन चली गो लेकिन आज तक भगवान ने अपना हाथ दूध नहीं पियो और ये एक दिन में इतना सिद्ध है। बेटा नामदेव ये बात थारी जमी नहीं, बोले नहीं पिताजी भगवान ने दूध पियो, और अगर आप तुम्हारी बात का ऊपर भरोसा नहीं हो विश्वास नहीं हो तो आप हमारे साथ में चलो और तुम्हारा सामने भगवान दूध पिएगा तब तो मानोगे। बोले हाँ फिर तो नहीं मानना जैसी कोई बात ही नहीं। दूसरा दिन माता पिता का साथ नामदेव भगवान का मंदिर में जाए, फिर पूजन पाठ जैसी बढ़ियों का से करी और फिर भगवान का सामने दूध की कटोरी रखी और हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि भगवान एक बार को और पी लो फिर कल से ये जाने इनको काम जानो। भगवान ने कहा कि देखो बेटा को एक दिन दूध पी लो तो रोजे चाड़ो पड़ी गए, अरे आज माता पिता ने लाओ कल कहीं दादा दादी ने लाऊंगा फिर उनका सामने पियो, परसों काका काकी ने लाना उनका सामने पियो, तो एको दूध कहाँ तक पियो, फिर भगवान दूध नहीं पे, खूब मनाओ पर भगवान दूध नहीं पे। तो पिता वामदेव कहने लगे कि बेटा नामदेव तू तो हमारा से झूठ बोल रहे, तू तो कह कि भगवान ने दूध पियो। बोले हाँ पिताजी कल तो भगवान ने दूध पियो। बोले कल पियो तो फिर आज क्यों नहीं, तो नामदेव कह कि बुखार ताव आयल हो जरा मगर देखो पड़ोगे इलाज करना पड़ो क्योंकि इलाज तो मालूम तो, फिर कटोरी रखी फिर बाहर भाग फिर लाए एक पत्थर उठे और भगवान से कह कि दूध पेज की नहीं। भगवान ने कहा भारी आफत आई भैया, फिर भगवान प्रकट हुआ फिर कटोरी उठे और फिर भगवान ने दूध पियो। पिता बाप ने कह कि धन्य बेटा थारी भक्ति का कि आज तूने भी भगवान को साक्षात्कार कर लियो और थारा बदला हमको भी भगवान का दर्शन नहीं करा। तो सिंगाजी बाबा कह कि ऐसा ऐसा संत हुआ उनकी मातुश्री ने उनका नहीं जानी पाई तो अपनी मातुश्री बिचारी कहीं जाना है। स्वामी समझे मन के माही ये माता सबन की ऐसी होई, कबीरा की माता सिकंदर पुकारी नामदेव की माता भी दीनी गारी। और उसी समय सिंगाजी बाबा
अपना बर्तन उठाया और बुदा पैड़ी छोड़ा और दुहावा का ऊपर पहुंचेगा। और जैसे ही दुहावा का ऊपर पहुंचा, दूध दुही ने जब घर लाया, दूध दुही जब घर पे लाए, तब सबके मन प्रतीत आया और माता बंधु परचो पायो और साचो मतो यही के हाथ आयो। फिर घर का लोग भी, परिवार का लोग भी, गांव का लोग भी कहने लग गया कि भैया आज से यो जसो कहनी ओसा सब चल जो तो एक ही मति में अपनी भी गति हो जाएगा। यही कहे सो चलिए चाल, या की मत में हो निहाल, और मत अपार बल साध की कोई बिरला पावे पार, और अगम पंथ का गम किया तो कहे खेम विचार। मगन मत साध की सीची निर्गुण बेल, और ज्ञान दीपक ज्योता वहां बिन बाती बिन तेल। ऐसे सिंगाजी बाबा की एक परीक्षा थी और सिंगाजी बाबा उस परीक्षा के अंदर पूर्ण रूप से पास हुआ तो सारा गांव का लोग, परिवार का लोग कहने लगे कि धन्य सिंगाजी बाबा की लीला को, धन्य सिंगाजी बाबा की महिमा को, कि जिनने घर में रहने भी उनको पाई लिया, जिनने सबका साथ रहने भी उनको पाई लियो, धन्य सिंगाजी बाबा की महिमा, धन्य सिंगाजी बाबा की लीला को। उसी समय सारा नगर निवासी, सारा गांव का लोग एक स्वर में कहने लगे, हर संत सिंगाजी की महिमा हो, हर संत सिंगा जी की महिमा, जाय नहीं वरनी, जाय नहीं वरनी, जाय नहीं वरनी, जाय नहीं, कभी दे नहीं पंख
साथ आज की वाणी को यही विराम। इसी प्रकार कल भी गुरु महाराज की वाणी द्वारा उनकी अगली लीला न पर चर्चा और कल की कथा द्वारा सिंघा जी बाबा की समाधि की कथा भी रह गए, तो आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में गुरु महाराज की वाणी को श्रवण लाभ। सदगुरु महाराज की जय। सिंघा जी महाराज की जय। ओम। सभी महानुभाव से करवत निवेदन, आज हम सब सिंघाजी महापुराण परचरी पुराण में तृतीय दिवस में आप सब लोग पधारे, आपकी श्रद्धा और भक्ति आपकी ओर से मंच को हम सब प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं। परचरी पुराण का आज तृतीय दिवस है, शेष दो दिन और बाकी हैं। जो हमारे चित परिचित, हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी और हमारे अनन्य सहयोगी साथी रह गए हैं, उनसे निवेदन कल उनको भी साथ में लेकर आएं और परचरी का सभी लोग आनंद लें। दुबले परिवार की ओर से आप सभी को श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम करते हैं। ऐसा ही और दो दिन प्रेम स्नेह और सहयोग आप सब बनाए रखें। एक निवेदन के लिए मेरे को यहाँ बुलाया है, आरती के बाद में सभी सम्मानी महानुभाव अपने स्थान पर विराजेंगे। आज सबको लड्डू की प्रसादी दी जाएगी, इसलिए सभी महानुभाव आरती के बाद में विराजे। दूसरा एक निवेदन, मंच से क्षमा चाहते हुए शायद कुछ को बुरा भी लगेगा, क्योंकि हम जो निछावर करते हैं तो निछावर किसको देते हैं, हमारा निछावर किसको देते हैं। यहां मैं देख रहा हूं कि हमारी ओर से जो निछावर कर रहे हैं हम संत को या भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। भगवान पर निछावर करके जो मेहनत करता है उसको निछावर दे, ऐसा सभी से निवेदन। ओम जय गुरु सिंघा जी महाराज। सदगुरु महाराज की जय। कृष्णा जी महाराज की जय। आरती
साहब धरि की सेवध की जे आरती साहब धरि की सेवध।